वुमन रेस लेने वाले डब्ल्यूबी से एग्जिट और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल फ्राइडे स्मैकडाउन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूबी हिंदी गॉसिप्स वीडियो। आज की काफी ऑसम रहने वाली है और आई होप आप इसे शुरू में ब्लड लाइन के नाम कर दीजिएगा लाइक। वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे लगभग 1700 लाइक का। गाइस कल हम लोगों को फ्राइडे स्मैकडाउन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ गाइस बात करूँ इस बार की फ्राइडे स्मैकडाउन की, इस बार की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों एक चीज मिसिंग रहने वाली है जो कि एंड जैसे मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी LA Knight वर्सेस कोफी किंगस्टन के मैच के द्वारा। आई डोंट नो ये मैच क्यों रखा गया है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि LA Knight ने ब्रे वायट से हर हारी है और ऐसे में दोस्तों LA Knight को अपना मोमेंटम वापस लाना है। एज पर रिपोर्ट सुने काफी बढ़िया पुश दिया जाएगा और यहां मुझे क्या लगता है कोफी किंगस्टन को वो हराने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो का रे मिस्टीरियो पर अटैक। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स रेसलमेनिया जो है वो अब करीब आती जा रही है और ऐसे में दोस्तों डब्ल्यू वाले डोमिनिक वर्सेस रे मिस्टीरियो को दोस्तों भुनाना चाहेंगे। कल हम लोगों को बेटा अपने बाप पर अटैक करते हुए नजर आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों हमारे सेमी जेन एंड केविन ओवेंस का बैक स्टेज सेगमेंट। तो बैक स्टेज दोस्तों फिर से केविन ओवेंस को मनाते हुए नजर आने वाले सेमी जेन, जिस पर दोस्तों केविन ओवेंस उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। जिसके ठीक बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों रिया रिपली एंड शार्लेट फ्लेयर का फेस ऑफ। तो इनका दोस्तों फेस ऑफ रखा जाने वाला है। एज वी ऑल नो दोस्तों कि शार्लेट फ्लेयर जो है वो वुमन चैंपियन है और रिया रिपली दोस्तों रॉयल रंबल विनर है। तो ऐसे में दोस्तों इनका फेस ऑफ आपको मोस्ट प्रोबेबली कल देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट को, इसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे अपने उसोस का। तो उसोस दोस्तों इनके अंदर आने वाले हैं, जहां दोस्तों हम लोगों को ये चीज पता चलेगी कि रोमन रेंस है ही नहीं। रोमन रेंस दोस्तों कल की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं होने वाले एंड उसोस दोस्तों रिंग में आकर ये चीज बताने वाले हैं। यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिल सकती है कि वहां दोस्तों जो हमारे अपने सेमी जेन है जाकर उसोस को कन्फ्रंट करे और खासकर जे उसो को अपनी ओर लाने की कोशिश करे। यहां दो चीजें हो सकती है, या तो दोस्तों जे उसो सेमी जेन के साथ चले जाएंगे या फिर दोस्तों उल्टा जिमी के साथ मिलकर अटैक कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो वहां दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ओवेंस अपने भाई को बचाने आ सकते हैं, यानी कि सेमी जेन को बचाने आ सकते हैं। तो ट्राइबल चीफ दोस्तों कल के स्मैकडाउन से गायब रहने वाले हैं और ये काफी सैड थिंग है और इससे दोस्तों मैं तो खासा सैड हो चुका हूं, लेकिन आपको सैड होने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे हम ट्राइबल चीफ की खबरों को कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सबसे पहली न्यूज की, गाइस वो ही जुड़ी हुई हमारे अपने सेमी जेन के मित्र जे उसो एंड उनके भाई जिमी उसो से। तो गाइस जिमी एंड जे के बीच में एक रीजन से दरार पड़ सकती है। रीजन अटपटा तो लग सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे धरातल पर देखेंगे तो काफी सॉलिड है। तो यहां दोस्तों जो WWE 2K की रेटिंग है ना वो धीरे धीरे करके सुपरस्टार्स के सामने आती जा रही है। जहां दोस्तों बात की जाए हमारे जिमी एंड जे की, उनकी रेटिंग दोस्तों बीते कल WWE वालों ने शो की और इसे देख मुझे पता चल चुका है कि WWE वालों ने क्या किया है। तो यहां दोस्तों जे को रेटिंग दी है 90 ओवरऑल और जिमी को दी है 89 ओवरऑल। जिमी एंड जे जुड़वा है, दोनों ने चैंपियनशिप्स भी उतनी जीती है जितने की दूसरे ने, उतनी दोस्तों पहले ने भी जीती है। लेकिन यहां दोस्तों मेन इवेंट जे उसो को दोस्तों 90 की रेटिंग देकर कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि इस बिना पर इनकी लड़ाई भी हो जाए। बट हाँ, जे उसो ने जैसे काम किए उन्हें दोस्तों 90 की रेटिंग मिलना तो स्वाभाविक है। बात कर लेते इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे AEW से। तो AEW का दोस्तों मजाक उड़ाया जा रहा है। रीजन क्या है कि टोनी खान ने दोस्तों एक लंबा चौड़ा पत्रा दोस्तों सार्वजनिक किया ट्विटर के ऊपर। उसमें उन्होंने क्या चीज लिखी है कि हम काफी समय से 4 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप ला रहे हैं वेडनेसडे नाइट को। ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। उनकी दोस्तों 1 मिलियन भी बड़ी मुश्किल से आती है, 1 मिलियन भी दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल से आते हैं दोस्तों व्यूअरशिप में, और 4 मिलियन दोस्तों यहाँ कह रहे हैं। और ट्विटर के ऊपर AEW एंड टोनी खान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि 4 मिलियन आप कैसे कह सकते हैं। इवन स्मैकडाउन की भी रेटिंग दोस्तों कभी 4 मिलियन नहीं आती, और यहाँ दोस्तों AEW वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो काफ़ी लंबे समय से 4 मिलियन ला रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी बात कह दी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हमारे रेटेड सुपरस्टार एज से। तो एज चैंपियनशिप क्यों नहीं जीतते, एज की गंदी बुकिंग क्यों,
एज क्यों आ रखे हैं और कब जाएंगे? तो एज दोस्तों बताया जा रहा है कि इस साल के मिड तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। हो सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए क्योंकि बीच जैसे में दोस्तों मिस थे। तो यहाँ दोस्तों जो हमारे एज है उन पर अपडेट ये है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि चैंपियनशिप नहीं जीतनी है भाई मेरे को। एज ने दोस्तों जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से साइन किया था ना, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वो सिर्फ सिर्फ मौज के लिए आ रखे हैं और नए टैलेंट्स को बढ़ावा देने आ रखे हैं। ऐसे में उन्हें कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीतनी है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ है कि वो कोई चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि एज जो है फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, तो उस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिएगा। एज सिर्फ सिर्फ अपने लास्ट रन को आ रखे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे कॉलअप्स से। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि डब्ल्यू वाले जल्द रेसलमेनिया के बाद आपको कॉलअप्स लाते हुए नजर आएंगे। कॉलअप्स ही नहीं, आपको रेसलमेनिया के बाद ड्राफ्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मई के आसपास दोस्तों ड्राफ्ट होने वाला है। बट यहाँ दोस्तों फिर से कन्फर्म हो चुका है कि आपको एनएक्सटी के बहुत सारे टैलेंट्स आफ्टर द रेसलमेनिया देखने को मिलेंगे मेन रोस्टर में, विच मीन्स आपको 2023 का अंत एक नए रोस्टर के साथ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई की बिकने से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सेल से जुड़ी हुई न्यूज़, तो कौन रनर चला है सबसे आगे, कौन चला हुआ है, टॉप कैंडिडेट कौन है? यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारे अपने डिज्नी वाले हैं ना सबसे आगे चले हुए हैं, और फिर दोस्तों बात की जाए बाकी कैंडिडेट्स की तो उनसे पीछे है। एंडेवर ग्रुप भी दोस्तों टॉप रनर है, फ्रंट रनर है। और यहाँ दोस्तों बात की जाए डिज्नी की, तो डिज्नी दोस्तों बाय कर सकता है विंस मैकमैन से डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और विंस मैकमैन ने दोस्तों जो रकम रखी है वो काफ़ी हाई रखी है, लेकिन हाँ इस वक्त दोस्तों अगर बिकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो डिज्नी ही फ्रंट रनर है। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की जो कि हमारी जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जेसन मोमोआ। तो एक फन अपडेट है, ये मेन न्यूज़ नहीं है। तो जेसन मोमोआ जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रोमन रेंस के जैसे लगते हैं, और हाल ही में कमेंट किया है और क्या चीज़ बोले हैं, आई हैड इट अ कपल टाइम्स, आई हैवंट हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग हिम येट। यानी कि रोमन रेंस के बारे में मैंने हमेशा सुना है और हर कोई कहता है कि मैं उसके जैसे लगता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो मिलना चाहते हैं ट्राइबल चीफ से जेसन मोमोआ, और जो मुलाकात होगी क्या ही मुलाकात होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बात करते हैं सीना की। तो सीना की हमसे मुलाकात 6 तारीख को होने वाली, 6 मार्च को दोस्तों सीना आने वाले हैं, और इस खबर ने दोस्तों 2000 से ज़्यादा टिकट्स बिकवा दिए। तो सीना को हमेशा से एक ड्रॉ माना गया है। सीना दोस्तों एक ऐसा बंदा है जो कि जब भी आता है दोस्तों सीटें फुल रहती है, और चीज़ का सबूत दोस्तों सीना की इस अनाउंसमेंट से हुआ। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ना, बताया जा रहा है कि 2000 टिकट्स हाथों हाथ बिक गई है। तो सीना लौटने वाले हैं 6 मार्च को, एक्साइटमेंट डबल है। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी थर्ड लास्ट न्यूज़ भी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के जजमेंट डे से। तो जजमेंट डे दोस्तों बताया जा रहा है कि आगे जाकर राइवलरी करने वाला है डेल एस्कोबार की टीम से, और यहाँ लिगार्डो डेल फैंटास्मा से दोस्तों जो राइवलरी रहेगी आपको अपकमिंग वीक्स में या फिर आफ्टर द रेसलमेनिया देखने को मिल सकती है। और इसके एवज में दोस्तों जो रॉ वाले हैं वो मांग रहे हैं ब्रे वाइट को, लेकिन स्मैकडाउन के जो बड़े लोग हैं यानी कि फॉक्स वाले, वो देने को राजी नहीं है। तो काफ़ी बड़ी थिंग हो चुकी है यहाँ जजमेंट डे के चलते, लड़ाई हो चुकी है यूएसए नेटवर्क एंड फॉक्स के बीच में। बात कर लेते हैं आज के अपनी सही लास्ट न्यूज़ की। सही लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के ऊपर क्या अपडेट है? तो रोमन रेंस पर अपडेट यह है गाइस कि रोमन रेंस एग्जिट लेने वाले हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि मनिंदा बैंक के लिए वो बुक्ड नहीं है, विच मीन्स कहीं ना कहीं वो एक छुट्टी पर जाने वाले, एक वेकेशन पर जाने वाले। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोडी से वो हारने वाले हैं? वेल, वो तो मैं कह नहीं सकता, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। यहाँ दोस्तों जो कोडी है वो भी जीत सकते हैं, रोमन रेंस भी जीत सकते हैं, जब ऑड्स आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन हाँ, छुट्टी लेने वाले ट्राइबल चीफ मनिंदा बैंक से गायब हो सकते हैं। तो आफ्टर मेनिया दोस्तों मनिंदा बैंक होगा। बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की जो कि हमारी जुड़ी हुई है सेमी जेन से। तो सेमी जेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, खासकर ट्रिपल एच के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इस बार की रॉ में जो आपने देखा ना कि कोडी का जो प्रोमो शुरू होता है उतने में हेमन आ जाते हैं, अचानक से हेमन आ जाते हैं, वो चीज़ दोस्तों स्क्रिप्टेड नहीं थी। वहाँ कोडी को प्रोमो काटना था, बट कहीं लोग चिल्लाना स्टार्ट ना कर दे, और लोग चिल्लाना स्टार्ट भी कर गए थे सेमी जेन, सेमी जेन। ट्रिपल एच ने हेमन को भेज दिया। दरअसल दोस्तों फैंस फिर से कहीं ना कहीं
इस बारी की रेसलमेनिया को हाईजैक करना चाहते हैं, जैसे डेनियल ब्रायन एंड कोफी किंगस्टन के केस में हुआ था। इस बारी लोग चाहते हैं सेमी ज़ेन रेसलमेनिया का पार्ट हो, और ऐसे में दोस्तों उनके नाम की चैंट लगाने वाले थे। अगर कोडी के खिलाफ चैंट लग जाती तो फिर हर एरिना में कोडी को वही सुनने को मिलता, यानी कि सेमी ज़ेन। और ऐसे में ट्रिपल एच ने दोस्तों चलाकी करते हुए इस प्रोमो को आधा कर दिया, आधा क्या कर दिया, शुरू ही नहीं होने दिया, और हेमन को भेज दिया ताकि चैंट को दबाया जा सके। तो सेमी ज़ेन की आवाज को दबाया जा रहा है, मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्या मैच ट्रिपल थ्रेट होगा, हु नोज। वीडियो आज की इतनी सी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमें ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।